कानपुर की घटना से उत्तर प्रदेश की सरकार बैकफुट पर है। कई लोगों पर कार्रवाई कर दी गई है। सरकार कड़ी कार्रवाई की बात भी कर रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम से बात की हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव ने। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में एक कार्रवाई के दौरान मां बेटी की जलकर मौत हो गई। जिस तरीके से पूरा मामला आया उसको लेकर राजनीतिक पार्टियां भी आगे हैं। इस पूरे मामले को लेकर सरकार आखिर किस तरीके से देखती है, हमारे साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं। सर, जिस तरीके से घटना हुई है क्या कहेंगे? नहीं, कानपुर देहात की जो घटना है वो दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, पीड़ाजनक है और ऐसी परिस्थिति नहीं आनी चाहिए। लेकिन संबंधित मामले में अभियोग भी दर्ज कर लिया गया है, विस्तृत और उच्च स्तरीय जांच भी हो रही है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन यह घटना निश्चित तौर से दुखद है, इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए और ये घटना हुई है तो इसीलिए उसको जांच भी कराई जा रही है और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कोई देरी नहीं की जाएगी। सर, इसमें जो राजनीतिक पार्टियां जैसे समाजवादी पार्टी है उन्होंने ये कहा है कि कहीं ना कहीं दलित और ओबीसी के बाद अब लगातार जो चल रहा है बुलडोजर वो भी कार्रवाई की जा रही है ऐसे में, और कांग्रेस भी कह रही है लगातार। देखिए, कांग्रेस हो या सपा हो, इन लोगों को इस तरह की घटिया राजनीति करने से बाज आना चाहिए। यह निश्चित तौर से दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक परिवार के दो सदस्यों को खोना यह मर्माहत करने वाला है, लेकिन उसकी जांच हो रही, जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर पुलवामा हमले की। पुलवामा हमले की आज बरसी है। देश भर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, लेकिन इस अवसर पर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने ऐसा ट्वीट कर दिया जिससे फिर से बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके कहा कि खुफिया नाकामी के कारण पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत हुई। इस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबरदस्त पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। दिग्विजय देश की सेना का अपमान कर रहे हैं, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिग्विजय सिंह सेना का मनोबल गिराने का प्रयास कर रहे हैं। अब जांच तो दिग्विजय सिंह की होनी चाहिए। देश के विरुद्ध, सेना के विरुद्ध बोलने का बीज आखिर दिग्विजय सिंह के दिमाग में कौन डालता है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर पलटवार करते हुए यह कहा। दिग्विजय जी की बुद्धि मुझे लगता फेल हो गई है, उसका फेलियर है ये। वो देश की सेना का अपमान करते हैं, वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, वो सेना का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। अब जांच तो दिग्विजय सिंह की होनी चाहिए। देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ बोलने का बीज उनके दिमाग में डालता कौन है? श्रद्धांजलि में भी तंज दिग्विजय सिंह ट्वीट देख के ऐसा लग रहा है जैसे आईएसआई की किसी ने ट्वीट किया हो। भारत माता की प्राण पण से सेवा कर अपने प्राणों के बलिदान देने वालों पर भी आप तंज कसने से नहीं चूकते। मुझे लगता है कांग्रेस की आदत ही हो गई है सेना के ऊपर इस तरह के बयान देना और उनके मनोबल को तोड़ना।